हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ह्यूमन। आज हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम तुम लोग को बोले हैं कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है, तो ये बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये फेस टू फेस पहला क्लास हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। तो यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है हमारा मैनेजर, जो कि तुम लोग को अपने आप को इमेजिन करना है कि एक मैनेजर। ठीक है, ये पूरा चैप्टर को जब तुम पढ़ रहे हो तो अपने आप को एक मैनेजर इमेजिन कर लो, और उसके बाद उसकी इमेजिनेशन से सोचो कि एक मैनेजर क्या काम करता है, किस तरह सोचता है, किस तरह वो इवैल्यूएट करता है काम को, तो ये चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि एक मैनेजर क्या होता है, एक मैनेजर एक इंसान होता है, इंसान ही होता है हम लोग तुम्हारे जैसा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो भी एक एम्प्लॉई होता है, पर उस थोड़े हायर लेवल में होता है। उसका काम क्या होता है कि हर चीज को ऊपर से देखना, एम्प्लॉईज को देखना कि जिसको जो काम दिया गया था वो ठीक से कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग जानते ही है कि अगर एक पूरा बड़ा वर्क है उसको एक आदमी खुद नहीं कर पाएगा, क्या इतना बड़ा काम एक आदमी कर पाएगा? Never। तो क्या किया जाता है कि ये टोटल वर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटा छोटा पार्ट्स को हम लोग जो है जॉब कहते हैं। अब हर एक जॉब जो है अलग अलग आदमी को दिया जाता है, और अगर ये हर एक पार्ट हर आदमी अपना ठीक से करे और सारा काम को अगर कंबाइन कर दे तो पूरा टास्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, अगर सारा जॉब ठीक से चल हो जाए तो। तो मैनेजर का काम क्या होता है कि यही चीज को देखना कि जो बंदे को उसका जॉब में पोजीशन दिया गया है वो काम को ठीक से कर रहा है कि नहीं, जितना काम का उसका टारगेट दिया गया था वो टारगेट के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उससे पूछा जाए क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, और उसको ठीक किया जाए ताकि उसका परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो सके, राइट। तो ये होता है एक मैनेजर का काम। तो तुमको एक मैनेजर की तरह ही सोचना है इस चैप्टर में। मैनेजर के बाद मैनेजमेंट वर्ड तो सुने हैं कि क्या सारा काम को मैनेज करना, देखना काम सही से हो रहा है कि नहीं, जो चीज का जरूरत है उसको ऑर्गेनाइज करना सही जगह से, उसको ठीक है अरेंज करना सारा चीज को, रिसोर्सेस को, उसको अलग जो डिपार्टमेंट में काम होता है। जैसे कि मान लो कि कंपनी है बड़ा सा, तो क्या हर काम एक बंदा तो नहीं करेगा, या वहां एक डिपार्टमेंट तो नहीं होगा, वहां पे कई सारा डिपार्टमेंट होता है। वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग्स डिपार्टमेंट होता है, राइट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट का मैनेजर। वो जो है ऊपर से बैठ के वो मैनेजर अपना डिपार्टमेंट का करने वाला सारे इंप्लॉइज को वॉच करता है, वो खाली अपने ही डिपार्टमेंट का ध्यान देता है कि उसका डिपार्टमेंट का काम सही चल रहा है कि नहीं। प्रोडक्शन का मैनेजर है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ठीक से देखेगा काम सही चल रहा है कि नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट है तो देखिएगा कि सही से सेल चल रहा है कि नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो देखिएगा ठीक से प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, पैकिंग डिपार्टमेंट है वहां पर पैकिंग ठीक से काम चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर ग्रीवेंसेस सॉल्व करने वाला, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट वो देखता है कि कस्टमर का ज्यादा ग्रीवेंसेस सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जो कि खड़ी देखता है कि उसका डिपार्टमेंट का काम सही चल रहा है कि नहीं, और हर एक डिपार्टमेंट सही से काम करे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस छू लेता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, वहां पे काम करने वाले इंप्लॉइज के ऊपर, वो इंप्लॉइज सही से काम कर रहे हैं कि नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, एक मैनेजर का, ठीक है। अब जहां पे टर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये चैप्टर का नाम है, तो यहां पे जो टर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो लोग कौन है, वो लोग हमारे इंप्लॉइज है, ठीक है। तो ह्यूमन हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो इंप्लॉइज होते हैं वही कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। अब यही इंप्लॉइज लोगों को जो मैनेजमेंट करते हैं, जो लोग एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्या किया है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम ठीक चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए जो है कितना वहां के उसके जो इम्प्लॉइज होते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कितने लोगों का जरूरत है, उसको किस तरीके से कंपनी में लाना है, उसको कैसे रिक्रूट करना है, उसको कितना सैलरी देना है, उसको किस तरीके से ट्रेनिंग करवाना है, सारा काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सौंप दिया जाता है। तो
तो ये एक स्पेशल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लॉइज से रिलेटेड वाले प्रॉब्लम को देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना इम्प्लॉइज का जरूरत है, वो इम्प्लॉइज को कहां से वो लोग रिक्रूट करेंगे, सारे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यही लोग करते हैं, उसमें से सेलेक्ट करना जो बेस्ट है, उन लोगों को ट्रेनिंग देना, सही जगह में प्लेसमेंट करना, उन लोगों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, जो कि इम्प्लॉइज से रिलेटेड सारा काम को करते हैं, उनका काम ही खाली होता है फोकस करने इम्प्लॉइज के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्राइजेस द फॉर्मल सिस्टम डिजाइन टू मैनेज पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, दैट मीन्स कि वो लोग हाईली ट्रेन्ड पीपल होते हैं, वो लोगों का काम ही होता है आदमी को पहचानना कि किसके अंदर कितना एबिलिटी है, कौन इंसान कौन सी जॉब के लिए बेस्ट फीट कर रहे हैं, बेस्ट वहां काम करने के लिए वो सुटेबल है, ठीक है, उन लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर एक जॉब के लिए जो काम वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए उसको कितना सैलरी पे किया जाए, हर चीज के बारे में उनको डिटेल नॉलेज होता है, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रहने वाले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ठीक है। तो वो लोग एक फॉर्मल पीपल होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टीम काम करते हैं, और उन लोगों का काम क्या होता है, टू मैनेज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, यहाँ पे पीपल कौन इंसान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली हमारे इंप्लॉइज, ठीक है, तो वही पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों को मैनेज करना। अब मैनेज करना का मीनिंग तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वो लोग सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, जो टारगेट जो स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है उसको वो लोग सही से कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीजन खोजा जाता है और उसको ठीक उनका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, उनका परफॉर्मेंस को पहले इवेल्युएट करते हैं कि ठीक से वो कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग। सी, सबसे पहले ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लोगों का काम क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग। प्रोक्योरिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, प्रोक्योरिंग का मतलब होता है उन लोगों को लाना, प्रोक्योर करना कोई चीज को। एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि 10 इंप्लॉइज का जरूरत है और वहां पे अभी सिर्फ 6 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों का और जरूरत है ना, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना कि कितने लोगों का जरूरत है, फिर वो लोगों को प्रोक्योर करना। कैसे वो लोग प्रोक्योर करेंगे, वो लोग घर जाकर के हाथ पकड़ के तो ले आएंगे, क्या करते हैं वो लोग, एडवर्टीजमेंट पुट करते हैं न्यूज पेपर में, एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा न्यूज पेपर आता है ना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसके थ्रू वो लोग जो है एडवर्टीजमेंट पुट करते हैं सो दैट दे कैन रिक्रूट पीपल। यहाँ एक टर्म है रिक्रूटमेंट, तो प्रोक्योर कैसे किया जाता है, रिक्रूटमेंट के थ्रू, ठीक है, ताकि इम्प्लॉइज जो कि सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर वो लोग उतने क्वालिफाइड भी हैं और वो लोग को इंटरेस्ट है ये कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो वो लोग आ सकते हैं, अपना लक को आजमा सकते हैं जो इंटरव्यू देगा। अगर इंटरव्यू में मैनेजर लोग को अच्छा लगेगा उन लोगों का, तो लगेगा कि हाँ ये लोग जो है सुटेबल है ये काम के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट प्रूफ कर सकते हैं, तभी वो लोगों को वो लोग सेलेक्ट कर देंगे। तो प्रोक्योरमेंट में क्या आता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एक बार सिलेक्शन हो गया उन लोगों का, तो वो लोगों को वो प्लेसमेंट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक जगह दे देते हैं कि आपको ये जॉब परफॉर्म करना है, ठीक है, और डेट टाइम टू टाइम वो लोगों का डेवलपमेंट होता है। अब तुम लोग बताओ कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, ऑब्वियसली वो लोग का ट्रेनिंग करवा के, तो ट्रेनिंग कराने का भी जिम्मेदारी जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। पहले वो लोग इम्प्लॉइज लोग को प्रोक्योर कर रहे हैं रिक्रूटमेंट करके थ्रू, रिक्रूटमेंट किए, सिलेक्शन हुआ उन लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया है वो लोग, अब वो लोग कैंडिडेट दे रहे हैं, कंपनी का एम्प्लॉइज बन गए हैं। पहले जो एम्प्लॉइज बाहर का आदमी अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। अप्लाई किया वो लोग, अगर पसंद आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स लोगों को तो उसको वो जॉब दे दिए, अब वो एम्प्लॉइज बन गया। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि उन लोगों का स्किल्स को डेवलप करना। कैसे डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग देकर, ठीक है, टाइम टू टाइम वो लोग का, क्योंकि हम लोग का टेक्नोलॉजी अप टू डेट हर अपग्रेड होता रहता है, तो जो कंपनी में मशीन्स हो रहे हैं वो लोगों को कैसे यूज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाएगा, वो लोगों को सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग देकर के सिखाते हैं। एंड मेंटेनिंग, ये टर्म क्या हुआ, मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब होता है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके भागे नहीं, क्योंकि मान लो कि एक एम्प्लॉइज को हम लेकर के आए, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैनेजर है और मैंने जो है एक अच्छा एम्प्लॉय को खोज के लाया, उसको ट्रेनिंग दिया, अगर मान लो ट्रेनिंग के बाद वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाए तो मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे लॉस होगा ना, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने अपना पैसा वेस्ट किया उसके ऊपर, ट्रेनिंग दिया और सब पाने के बाद वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएगा,
नहीं, उसको मेंटेन करके रखेंगे। मेंटेन मतलब कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिका के रखेंगे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो छोड़ के ना जाए। अब किस तरीके से टिका के रखेंगे उसको, अच्छा सैलरी पे करके उसको, इस चीज का बोल करके कि आपको हम आपके यहाँ पे करियर इंप्रूव हो सकता है, राइट। उसको जो है अच्छा इन्वायरमेंट दे करके, बहुत तरीका होता है एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिका के रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना अगर एम्प्लॉइज छोड़ के भागने लगा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कैसे करेगा, ठीक है। तो मेंटेन भी करने का काम जो है वो लोगों को रखने के लिए, ताकि वो लोग जो है जो काम कर रहे, मान लो कि एक एम्प्लॉई बना है बहुत अच्छा काम के लिए, तो उससे बहुत ही लो क्वालिटी का काम कराया जा रहा है, उसको पैसा तो ठीक ठाक मिल रहा है मगर वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो वैसा एम्प्लॉइज भी छोड़ के भाग सकता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है कि पहचाने उसका स्किल्स, उसको किस चीज में मन लगता है काम करने में, किस चीज में वो जो है बहुत ही टैलेंटेड है, उसको खुशी मिलता है करके काम, उसे उसको उसी तरीके का काम किया जाता है। अगर एक एम्प्लॉई सेटिस्फाइड रहेगा मेंटली फिजिकली एंड फाइनेंशियली, तो वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कभी नहीं भागेगा। तो ये काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिका के रखे, मेंटेन करके रखे, ठीक है। कंपोनेंट रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट रिसोर्स मतलब कि वही ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्योर करना, लाना, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उन लोगों को डेवलप करना ट्रेनिंग के देके, और उन लोगों को कंपनी में टिका के रखे रहना, यही काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड में मैंने लिखा है कि इट इज एन आर्ट, ऑब्वियसली बात है भाई, एक आदमी को समझना, उसको खुश रखना, उसको ट्रेनिंग देना, वो हर कोई का वास्ता बात नहीं होता है। तो दैट मींस कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं वो लोग के अंदर बहुत कला होता है, स्किल्स होता है, आर्ट होता है कि वो लोगों का इमोशंस को समझ सकते हैं, उसके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है वो पहचान सकते हैं, वो लोगों को खुश रख सकते हैं अच्छा जॉब दे करके, अच्छा एनवायरमेंट दे करके, उन लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तो इट इज अ स्किल्स टू मैनेज पीपल, क्योंकि एक इंसान को मैनेज करना सब हर कोई का बात नहीं होता है, बस का बात नहीं होता है। अगर तुमको हम सामने खड़ा कर दें और तुम्हारे सामने हजारों ऑडियंस हो, तो तुम खड़े खड़े नर्वस हो जाओगे, तुम्हारे मुंह से दो शब्द नहीं निकलेगा। तो एक बड़ा सा ऑडियंस के सामने एक बंदा अगर खड़ा होकर कुछ बोल रहा है ना, तो वो बंदा के अंदर आर्ट है, कला है, स्किल है। हर कोई का बस का बात नहीं होता है लोगों को मैनेज कर पाना। एक क्लासरूम में एक टीचर है, अगर वो स्टूडेंट को मैनेज कर ले रहा है तो उसके अंदर उस कला है, आर्ट है, हर कोई के अंदर नहीं होता है कि आदमी लोग को कंट्रोल करना, क्योंकि आदमी लोग कंट्रोल में तो आते ही नहीं, जिसका जो मन करता है वही करता है कि नहीं। अगर उसको तुम मैनेज करना सीख लिए तो तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन जाओगे, ठीक है। तुम्हारे अंदर वो स्किल आ जाएगा जिस दिन तुम पीपल लोगों को मैनेज करना सीख गए, सो दैट दे गिव देयर बेस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि वो लोग, वो पीपल मतलब वो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में के लिए 100% अपना सैक्रिफाइस, अपना जो देना चाहे दे सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सके। एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस में ही पाया जाता है। अगर एम्प्लॉइज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी द वे एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो लोगों के अंदर से वो चीज निकलवाते हैं कि तुम लोग अपना बेस्ट दो, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस में ले जाओ। तुम लोग भी अगर याद रखोगे तो ये चीज को, अगर तुम लोग मूवी की तरह सोच रहे हो, एक मैनेजर अपने आप को एक मैनेजर बना लियो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और वैसा सोच रहे हो, तो कभी भी तुम लोग ये टॉपिक को नहीं भूल पाओगे। इसको लर्न करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा, अपने वर्ड में बना के लिख सकते हैं। बात समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, और फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।